तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल यूपीपीसीएल क्रैकर्स के अंदर। पिछली वीडियो में मैंने ना पीएन जंक्शन के उसके टेबल को डिस्कस किया था, और उसके बाद ना मैं स्टैटिक और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा रहा था। लेकिन स्टैटिक और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स जब पिछली वीडियो में आया था तो वॉल्यूम जो था उसके अंदर वो नहीं आ रही थी, यानी कि वॉल्यूम के फॉल्ट की वजह से वो खराब हो गई थी वीडियो। तो उसका जो पार्ट है स्टैटिक और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स पीएन जंक्शन डायोड की ऑफ पीएन जंक्शन उसको आज एक छोटी सी वीडियो में कंटिन्यू करने जा रहा हूं। ठीक है, वही पार्ट कि स्टैटिक और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच मतलब होती क्या है ये पीएन जंक्शन डायोड की। देखो, अभी तक तो इस पे क्वेश्चन नहीं बना आज तक जेई एग्जाम पे, पर जिस तरीके से पेपर का ट्रेंड चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड, हो सकता है स्टैटिक और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स को पूछा जाए कि पीएन जंक्शन डायोड की स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। देखिए, जब भी कभी हम पीएन जंक्शन डायोड का कर्व प्लॉट करते हैं, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करते हैं, और यदि वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी डीसी करंट पे है, यानी कि पीएन जंक्शन डायोड अगर डीसी करंट पे ऑपरेट कर रहा है, ठीक है, डीसी करंट पे ऑपरेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, ये मेरी एक सर्किटरी है, ठीक है, ये एक मेरा सर्किट है। मैंने क्या किया, इस सर्किट में पीएन जंक्शन डायोड कनेक्ट किया। इस पीएन जंक्शन डायोड को मैंने डीसी सप्लाई से कनेक्ट किया है। डीसी सप्लाई से कनेक्ट करने के बाद मैंने इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व प्लॉट किया। अब सबको पता है अगर ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बाइस है, ठीक है, फॉरवर्ड बाइस है किस पे, डीसी वोल्टेज पे, ठीक है। ये देखिए, ये पी पॉजिटिव से कनेक्ट है, एन नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस हो गया। और सप्लाई इसको कैसी दे रखी है, डीसी सप्लाई। तो अब क्या होगा, जैसे मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करूंगा, फॉरवर्ड वोल्टेज वीएफ मेरी फॉरवर्ड वोल्टेज, और इस पे जो करंट जा रहा है वो है मेरा फॉरवर्ड करंट। अब जैसे ही मैं इस कैरेक्टर इस पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लॉट करूंगा, तो सबको पता है पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बनती है, ऐसे, ठीक है, एक्सपोनेंशियली ऐसे जाते हैं, ठीक है। अब मुझे इसकी ना जो मैं स्टैटिक रेजिस्टेंस एंड डायनेमिक रेजिस्टेंस, ठीक है, स्टैटिक रेजिस्टेंस है यहां पे, ठीक है, तो जिस कर्व से हम स्टैटिक रेजिस्टेंस निकालते हैं, यानी डायोड के डीसी रेजिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टैटिक रेजिस्टेंस ऑफ पीएन जंक्शन और स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन, क्योंकि यहां पे डीसी सप्लाई लगी हुई थी। तो देखिए, फॉरवर्ड वोल्टेज हमारी ये है और फॉरवर्ड करंट हमारा ये है मिली एम्पियर्स में। तो अगर मैं स्टैटिक रेजिस्टेंस निकालूंगा तो सबको पता है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वी बाय आई, यानी कि वी फॉरवर्ड डीसी वोल्टेज डिवाइडेड बाय वी फॉरवर्ड आई फॉरवर्ड डीसी करंट, ठीक है, तो वी एफ बाय आई एफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमारे क्या निकल गई, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। ये देखिए कैसे, ये मेरी फॉरवर्ड वोल्टेज थी, ये मेरा फॉरवर्ड करंट था, मैंने दोनों का रेशियो लिया तो क्या निकल गया, फॉरवर्ड स्टैटिक रेजिस्टेंस निकल गई, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डीसी रेजिस्टेंस थी डायोड की। अगर सेकंड केस में अब मुझे क्या चाहिए, डायनेमिक रेजिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए, डायनेमिक रेजिस्टेंस। डायनेमिक वर्ड जो होता है, ठीक है, याद रखना, हर एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता होना चाहिए, डायनेमिक वर्ड लगता है चेंज के लिए, ठीक है, यानी कि चेंज होना, ठीक है, डायनेमिक वर्ड चेंज होने के लिए लगता है, यानी कि यहां पे अगर मुझे डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करनी है तो सोर्स मेरा एसी होना चाहिए। फिर तो मैंने क्या किया, डीसी सप्लाई को हटा के यहां पे क्या लगा दी, एसी का सोर्स, अल्टरनेटिंग करंट सोर्स लगा दिया। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स मेरी प्लॉट होंगी वो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, और इसमें फॉरवर्ड वोल्टेज होगा, ठीक है, फॉरवर्ड करंट होगा मिली एम्पियर्स में। अब देखिए, यहां पे मैंने क्या किया है, सबको पता है जब भी कभी डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट होती है और एसी सप्लाई होता है तो एसी करंट ना चेंज करता है। तो पहले मेरा वोल्टेज यहां पे थी, फर्स्ट वोल्टेज मेरी यहां पे थी, ये देखो मैंने डॉट डॉट लगा के, ठीक है, और एक वोल्टेज की वैल्यू मेरी यहां पे आई, ठीक है, ये देखो थोड़ा डार्क कर देता हूं इसको, ठीक है। इसी तरीके से एक करंट की वैल्यू मेरी यहां पे आई, ठीक है, दूसरे करंट की वैल्यू मेरी यहां पे आई, क्योंकि एसी सप्लाई लग रखी है। तो अब मैं यहां पे क्या लिखूंगा, डेल्टा वीएफ लिखूंगा। अगर मुझे डायनेमिक रेजिस्टेंस चाहिए, इसको बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस, यानी कि डायनेमिक रेजिस्टेंस यानी कि एसी रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, ठीक है, ये रही मेरी डायनेमिक रेजिस्टेंस, डायनेमिक वर्ड लिख दिया मैंने, ये डायनेमिक रेजिस्टेंस है
ये निकली डेल्टा वीएफ। डेल्टा वर्ड तब लगता है जब चेंज होता है, चेंज को बोलते हैं डेल्टा, ठीक है। फिजिक्स में पढ़ते हैं ना फर्स्ट सेमेस्टर में जो इंजीनियरिंग की फिजिक्स आती है, जब जब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एंट्री लेते हैं तो जो फिजिक्स आती है उसमें डेल्टा वर्ड यूज होता है, वही डेल्टा वर्ड है ये चेंज। तो डेल्टा वीएफ बाय आई डेल्टा आईएफ ये होती है डायनेमिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, कल के लेक्चर में भी डिस्कस किया था, लेकिन क्या हुआ था वॉल्यूम नहीं आई थी उसमें, ठीक है। तो डीसी रेजिस्टेंस होगी स्टैटिक रेजिस्टेंस, एसी रेजिस्टेंस होगी डायनेमिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब याद रखना स्टैटिक रेजिस्टेंस, डीसी रेजिस्टेंस जो होती है स्टैटिक रेजिस्टेंस, स्टैटिक रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं कैपिटल आर एफ से, कैपिटल आर से, ठीक है। एफ का मतलब फॉरवर्ड है, ठीक है, और कैपिटल आर से। और याद रखना डायनेमिक को डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, ठीक है। तो ये होती हैं स्टैटिक और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वेक्टर डायोड, बहुत इंपॉर्टेंट डायोड है, क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, क्लास में मौजूद रहिए, धन्यवाद।